हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं कहती हूँ तो कैसे आप सब, होप कि आप सब ठीक है, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। आज मेरा प्लान है मूंग दाल चीला बनाने का नाश्ते में, तो अभी तो फिलहाल मैं कृषि के लिए उठी हूँ इतनी सुबह सुबह। ये देखिए बिल्कुल सुबह ही हुई है, अभी सूर्य देवता भी नहीं उगे हैं, तो मैं उसके लिए फटाफट से जा रही हूँ चीला बनाने। तो पहले मैं मूंग दाल को मिक्सी में पीस लूँ। ये देखिए मूंग दाल अच्छे से भीग गया है, थोड़ा छिलके वाला है ये बहुत अच्छे से मैंने इसे धो दिया और यहाँ निकाल लिया है बाहर का लिया पनीर जो मैंने कल निकाला था। अब थोड़े से अदरक और हरी मिर्ची के साथ इसे मैं पीस लूँगी। इसमें मिक्स करेंगे प्याज, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची और ये धनिया की पत्ती कटी हुई। आप कॉर्न भी डाल सकते हो, कॉर्न नहीं है मेरे पास। और यहाँ ग्रेटेड पनीर है, मैंने पनीर रखा हुआ है, ये सब स्टफ के लिए है। यहाँ बैटर मेरा पूरी तरह से रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्ची मन हो तो आप लाल मिर्ची भी डाल दें। हल्दी और नमक इसमें मैंने डाल दिया, लाल मिर्ची मुझे नहीं डालनी थी। अब स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे ऑयल गरम करके उसमें ज़ीरा, हरा मिर्चा, प्याज, शिमला मिर्ची, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा इसे पकाना ही नहीं है, बिल्कुल स्टर फ्राई करना है। उसके बाद हम अपना ग्रेटेड पनीर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ा नमक और डालेंगे ताकि अच्छे से बैलेंस हो जाए। और ये तो आपने सुना ही होगा, पहला चीला ज़रूर बिगड़ जाता है, लेकिन अब आपका पहला चीला भी कभी नहीं बिगड़ेगा जब एक बार आप ऑयल से ग्रीस करके खूब हाई फ्लेम पे तवे पे उसको खूब गर्म कर देंगे। थोड़ा ही ऑयल डालना है और उसके बाद उस पर पानी का छींटा मार के एक कॉटन के कपड़े से रगड़ के उसको पोंछ देंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो तवा है वो इतना अच्छा चिकना हो जाएगा कि एक भी चीला आपका चिपकेगा नहीं। मूंग दाल तो वैसे भी बहुत बढ़िया दाल होती है, बिल्कुल भी कोई चीज़ बनाइए ना इसका तो चिपकता पकता नहीं है। लेकिन परंपरा के अनुसार थोड़ा बहुत तो ये आपको रंगत दिखाई देगा कि पहला चीला ख़राब होता है। वैसे मेरा ख़राब नहीं हुआ, ये बस थोड़ा सा ऐसे टूट के साइड से निकल गया। और एक बार जब निकला तो फिर ऐसे फटफट करके निकला ना कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी मैं अपने बेटू के लिए बना रही थी तो थोड़ा ज़्यादा ही मन से बना रही थी, क्योंकि उसके लिए जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो खूब मन से खाए और ले करके जाए। तो जो स्टफिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी रेडी कर सकते हो, जैसे कि हम लोग डोसे वगैरह में पटेटो वाली भी डालते हैं स्टफिंग, अपने अनुसार वेजीज वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल लो। वैसे ये सबसे हेल्दी ऑप्शन है, ये शादी वगैरह में मिलता है तो इसको मैंने देखा था, तो उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि मैं इसे बना लेती हूँ और बहुत अच्छा निकल करके आया, बिलीव मी। अब तो मैं जब वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो मैं खा चुकी हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवरिंग करना ही ठीक होगा। ऐसे मैं इस वक्त बोल नहीं सकती थी इतना और थोड़ी वॉइस भी बहुत धीरे आती, इसलिए मैंने वॉइस ओवरिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड इस वक्त तो बोल नहीं सकती। तो सुबह सुबह आप ये प्रोटीन रिच नाश्ता अपने भी घर में ज़रूर से बनाइएगा। कृषि कहाँ हो? वहाँ रखे हैं टिफिन में, चाबी भी है तुम्हारी स्कूटी की। देखिए सुबह सुबह उठ के आए, इनको और कोई काम नहीं है, मूवी लगा दी सुबह सुबह महाराजा, एक्सरसाइज हो रहा है। आज चड्डी नहीं है, आज तो पैंट पहने हैं, चड्डी नहीं पहने हैं, नो चड्डी। ओह कमर की एक्सरसाइज हो रही, कमर में कमजोरी आ गई बहुत ज़्यादा। मैं अपना चीला लेके आ गई और जा रही हूँ मैं इसे खाने मस्त। और घर वाले क्या रिव्यू देंगे, मैं ही अपनी चीला का रिव्यू दे दे रही हूँ। घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी चीला में, मतलब खाने में इंटरेस्ट है मगर रिव्यू देने में नहीं। तो इससे अच्छा कि मैं खुद अपनी चीला का रिव्यू दूँ और आपको बताऊँ कि कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है और बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल हल्का, मतलब ये आप सुबह नाश्ता कर लेंगे ना तो ये सबसे एक तो हेल्दी, पहले बात तो रिच इन प्रोटीन, क्योंकि मूंग दाल वैसे ही प्रोटीन रिच है और पनीर है तो वो भी प्रोटीन रिच है, तो इसलिए आप ये नाश्ता बनाइए और तब मुझे बताइएगा। मैं अब खुद से क्या ही तारीफ़ करूँ, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए घर में। आपके पास शिमला मिर्च नहीं है मत डालिए, प्याज से ही थोड़ा सा पनीर को भून लीजिए, भूनना नहीं है बस, प्याज, हरी मिर्ची और ज़ीरा डाल करके उसमें आप पनीर डाल दीजिए और थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, बस हो गया।
आज फिर मुझे लगता है कि करेले की हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे दिख रहे हैं, यही है कि वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और इसके बनते भी बहुत अच्छे हैं करेले, लेकिन अंदर अंदर तक इसके करेले हुए हैं। इस साइड में इस पर पूरा चढ़ गया है, इधर से पहले मैं यहीं से तोड़ लेती हूँ। एक तो हमारे सामने ही है, हमें से इतना ही मतलब उतना ही, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा ग्रो हो रहा है ना तो अजीब सा हो जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है। ये देखिए इधर कोने में, ये देखिए इतने निकल गए, मेरा और सासू माँ का हो जाएगा, पांडी जी भी खा लेंगे। हैं वो खिला ही दे रहा है 4-5 दिन में एक बार करेला। आज आपको भी मिल जाएगा खाने को, क्योंकि आप हैं नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग अकेले खाते हैं। सास बहू कई दिनों उस तो खाने के बाद यहाँ रखा हुआ है मेरा गेहूँ दौरा में भर के, और ये है मल्टी ग्रीन, तो उसको मैं ढक इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बंदर आ जाएगा और भी कबूतर वगैरह आके गंदा कर देते हैं इसको। ये देखिए ये है सारे मल्टी ग्रीन, इसका मुझे सबका एग्जैक्ट नेम नहीं पता है, लेकिन ऐसे नाम तो मुझे पता है। इसमें सोयाबीन, मक्का, चना, और ज्वार, बाजरा और रागी, बजरी, बजरा दो होता है तो एक टाइप ऑफ दो, इसमें दो है, इसमें तीन है, मक्का, सोयाबीन और चना इसमें दो तरह के हैं और वो एक तरह का है, यानी कि दो दो चार चाहे 5, 6, 7, 8 हो गए 8। अब जितने भी टाइप के हों मैंने तो सारा ही मिक्स कर दिया। अब बारी है कपड़े उठाने के, कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, इन्हें भी ले जाना है। कृषि के लिए मैंने फ्राइड राइस बनाया, अभी वो स्कूल से आया है, उसको इस टाइप का फ्राइड राइस बहुत पसंद है। इसमें शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, मैंने गाजर, थोड़ी गोभी, प्याज, टमाटर, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाला है, एंड दिखने में तो यम्मी ही दिख रहा है, खाने में भी यम्मी ही होगा। फ्राइड राइस मसाला ज़रूर डाली, चिंग्स का बहुत अच्छा आता है तो उससे इसका टेस्ट इनहांस हो जाता है। मैंने भी थोड़ा सा ये ले लिया फ्राइड राइस, क्योंकि मैं वही दो चीला खा के हूँ। ये सब चीज़ें अच्छी लगती है ठंड में ना, ज़्यादा रोटी चावल ऐसे दाल ये सब खाने का मन नहीं करता है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं।